राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। यूपी में शनिवार को दो जगह कांवड़ियों ने हंगामा और तोड़फोड़ की। पहली घटना गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर हुई। वहां कांवड़ियों ने एक कार में तोड़फोड़ कर उसे पलट दिया। आरोप था कि कार चला रहे शख्स ने एक कांवड़िए को टक्कर मार दी, इससे कांवड़ खंडित हो गई। इसके बाद कांवड़िए आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। हाईवे पर जाम लगने लगा, लेकिन कांवड़िए कार पर चढ़कर लगातार डंडे बरसाते रहे। कार में बैठे ड्राइवर को भी बाहर खींच लिया, उसकी पिटाई कर दी। इसी बीच पुलिस पहुंची, कांवड़ियों से बात करके उन्हें शांत कराया। ड्राइवर को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दूसरी घटना मेरठ में हुई, जहां कांवड़ पर गुटखा थूकने से आहत कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर नारेबाजी की। एक युवक माता पिता के नाम की कांवड़ लेकर दिल्ली जा रहा था, तभी एक व्यक्ति ने वहां गुटखा थूक दिया। यह देख कांवड़िए गुस्सा गए और हंगामा करने लगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।